इसमें ऐसा है कि ये आपके पास क्या है बेटा कुछ पार्ट्स हैं ये आपने है। देखो पहला पार्ट आपके पास ये ऐसा है जिसे हम कहते हैं कंडीशनिंग इस कंडीशनिंग का मतलब ये है कि आपने जो अंदर मौजूद सिलिका है ना उसको क्या करना है उसको आपने एक्टिवेट करना है ये आपके पास समझ लीजिए सिलिका है इसको आपने एक्टिवेट किया ऊपर से प्लंजर चलाया यहां से वो सॉल्वेंट निकल गया अब सॉल्वेंट के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस ये करना है कि जो ये आपको नजर आ रहा है इसके अंदर आपने ये जो आपके पास दिख रहा है मतलब दो तीन तरह की चीजें दिख रही हैं। जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा करता हूं, ये एक ये दो ये आपके पास तीन जो अलग अलग चीजें हैं ये आपके पास स्क्वायर, सर्कल ट्रायंगल, ये शो कर रही है कि इसमें ना काफी सारी चीजें हैं जैसे इनप्योरिटीज हैं और कोई हमारे काम की चीज है तो आपने क्या करना है ये गुजर गया मतलब सॉल्वेंट इनको लाया और सॉल्वेंट मतलब कि क्या, क्या, तो क्या किया ये आपके पास डाला तो जो मैट्रिक्स है वो तो अंदर रह गया और जो बाकी सॉल्वेंट था वो बाहर निकल गया ऐसे हमें कोई लेना देना नहीं है अब नंबर टू पे बात ये, ये से कहते हैं रिटेंशन यानी आपने हर चीज अंदर डाल ली है अब आपने अपनी काम की चीज इसमें रहने देनी है और दूसरी चीजें आपने इसमें से निकाल देनी है तो देखें अब क्या होगा अब होगा कुछ यूं कि जब आप दोबारा पलंजर चलाएंगे तो प्लंजर चलाने के बाद आपको ये एक चीज निकलती महसूस हो रही है जिसे कहते हैं जैसे हम ट्राइंगल के नाम से पुकार रहे हैं ये हमारी इंप्योरिटी है ये निकल गया तो इसके बाद यही अमल दोबारा करेंगे फिलहाल आपको ये देखो नीचे कुछ प्रोसेस भी लिखे कहते हैं रिंच रिंच कहते हैं खंगालने को धोने को तो इससे भी कुछ ना कुछ धुल गया इसके बाद फिर दोबारा आगे चलते हैं तो क्या लिखता है कि यही अमल आप दोबारा करोगे जब दोबारा करोगे तो अब के बार इसमें से एक चीज और निकल गई दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ये क्या है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलुएशन प्योरिफाइड एंड कंसनड्रेड आइसोलेट आइसोलेट रेडी फॉर एनालिसिस अनडिजायर्ड कंपाउंड रिमेन्स अब दो बातें हो सकती हैं या तो आपकी जो डिजायर्ड चीज है वो बाहर निकल जाए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए या फिर इंप्योरिटी बाहर निकल जाए अगर इंप्योरिटी बाहर निकल जाती है तो भी बात सही है पीछे आपके पास यानी आपने अलहदगी करनी है चाहे वो आपका सॉल्वेंट अद... कोशिश यही होगी कि इम्प्योरिटी बाहर निकल जाए और जो आपके काम की चीज है वो अंदर रह जाए फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में

रिंस आपने धोया है जिसके अंदर इंप्योरिटीज बाहर निकल गई हैं ठीक है और बाकी क्या रह गया है बाकी रह गया आपका रिक्वायर्ड मटेरियल जो अंदर सिलिका के अंदर है और मैंने कही हमारे उलट भी हो सकता है कि इंप्योरिटी अंदर रह जाए रह बाकी सब बाहर निकल जाए ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है और फिर आखिर में वो बात कर रहा है कि एसपी सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन कार्ट्रिजेस कैसे होते हैं ये मुख्तलि हो सकते हैं बहुत छोटे ml, आप जो उंगली होगी ना इस उंगली के दो खानों जितने होते हैं ठीक है भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास छोटे बड़े मुख्तलिफ क्वालिटीज के क्वान्टिटीज के हो सकते हैं फिर इसके बाद ये जो आपके पास वो दिखा रहा है कि ये जी वो तरीका कार है जी सारे के सारे जो नजर आ रहे हैं आपको दीज आर कार्टरेजेस ये सारे कार्टरेज है ठीक है और नीचे क्या है नीचे आपके पास एक तरीकाकार है इसके जरिए से सक किया जा सकता है अगर आप गौर करें तो आपको ये नजर आ रहा है एक क्या कहते हैं मीटर ये एक तरह का वैक्यूम को क्रिएट करने वाला मीटर है ये वैक्यूम क्रिएट करता है वैक्यूम के क्रिएट होने से क्या होता है कि जो ऊपर के मटेरियल होते हैं बेटा वो सक होकर नीचे रहता है इसे नेगेटिव प्रेशर के नाम से हमने पढ़ा था सही है तो नेगेटिव प्रेशर भी हो सकता है और पॉजिटिव प्रेशर भी हो सकता है फिर इसके बाद आगे जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का है इनके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लें बहुत नहीं बस थोड़ा थोडा सा इसको देनी है फिर ये कुछ ले रहा है डिस्क है तो सॉलिड फेज एक्सटेक्शन डिस्क भी होती है ये डिस्क अंदर रखनी होती है उस कार्ट्रिज के द स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया सॉलिड फेज पिपेट टिप्स आर प्रॉन टू Plugging जोड़ी जाती है हमारे so तो लिए बाकी ऐसा कुछ नहीं है फिर आगे चलते हैं अदर सॉर्बेंट्स फॉर द सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन देखें ये भी आपके पास टेक्निक्स है ये जो आपको छोटी छोटी सी दिख रही है मैं यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट करता हूँ शायद ये नजर आ रहा है आपको ये पूरा ये तो पूरा डब्बा है ठीक है ना इसके अंदर ये एक छोटा सा ये जो एक पीस है दैट इज सिंपल कार्ट्रिज ये एक कार्ट्रिज है इस तरह कई सारे कार्ट्रिज एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं तो ये भी आपके पास इसके नीचे कुछ अहम बातें भी लिखी हुई है अगर आप दो तीन ऐड कर दे तो अच्छी बात है ये देखें ये आपके पास वो बॉन्डिंग दिखाई हुई है पहले मालिक दिखाया हुआ है और फिर उस मालिक बॉन्डिंग दिखाई गई है जैसे लिखा हुआ है आइन एक्सचेंज इंटरेक्शन बहरल ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है बस इतना हम करेंगे कल फिर हम इससे आगे लेकर चलेंगे पॉलीमेरिक फेजेस भी हैं फेजेस भी हैं माइक्रो एक्सट्रेक्शन भी है बेटा ये टॉपिक तो काफी लंबा है लेकिन हमने इसमें जो बेसिक बेसिक चीजें अपने हिसाब से हैं वो कर लेंगे क्योंकि ये जो आपके पास बुक का सेक्शन है ये सिर्फ बी के लिए नहीं है ये एम एस के लिए और जो लोग आगे भी पढ़ रहे हैं वहां के लिए भी है तो ये सिर्फ आपके मतलब आ, सारा का सारा आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो अब आपने यहाँ पर एक बात ये सीख ली है कि सॉलिड एक्सट्रैक्शन अपना पहले नंबर पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है उसके अंदर मेटल एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं और क्या कहते हैं सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन क्या है इस तरह की जो बातें हैं ये आपने अपने दिमाग में बिठानी है इनको कोशिश करना है कि आपने ना लेकर आनी है ज्यादा से ज्यादा यानी कम से कम सात आठ नौ दस पेज जिस तरह जिसकी राइटिंग है छोटी है किसी की बड़ी है खुली है तो दस बारह पेजेस बन जाएंगे तो वो पेजिस बनाने हैं इनकी असाइनमेंट रेडी करनी है और उसके बाद आपने मुझे भेजनी है मैं जो जो उसमें तब्दीली होगी वो मैं बता दूंगा और साथ साथ बता दूंगा कि एड करना या रिमूव करना है लेकिन आपके दिमाग में ये रहे कि हर जो हैडिंग हमने पड़ी है उसमें से थोड़े थोड़े पॉइंट जो कुछ उसके बारे में अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं वो पॉइंट आपने जरूर ऐड कर देने हैं मतलब हेडिंग्स और उनके चंद पॉइंट्स तो ये आपने अपने दिमाग में लगा के रखनी है बात जितना यानी ये समझ लें कि आपने एक नोट्स तैयार कर लें वो मुझे दिखा दें मैं फिर उसको मतलब दा दूंगा कि ठीक है और वो फिर आपने याद कर लेने हैं वैसे इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन पढ़े आपके लिए बेहतर है अच्छा है ठीक है बेटा तो ये यहाँ तक ये आज फिर इन कल पढ़ेंगे कल कोशिश करेंगे लेक्चर लेंगे बेटा ठीक है जी alapis.